तहे दिल से स्वागत करती हूँ। आइए जानते हैं आज की प्रमुख सुर्खियाँ। पत्नी सास सहित चार लोगों पर चाकू से हमला। उमरेड में मिला 4 फीट का कोबरा सांप, 15 वर्षीय किशोरी से छेड़खानी। आइए अब खबरें देखते हैं विस्तार से। साकोली तहसील के सानगढ़ी में बुधवार को चन्नापोड़ का नवेगा बांध निवासी विकास अशोक सोनवाने ने पत्नी सास साली एवं साले को चाकू से वार कर घायल करके फरार हो गया। विकास सोनवाने का विवाह साकोली तहसील के सानगढ़ निवासी काजल से हुआ था। बीती रात दोनों पति पत्नी में विवाद हुआ। इसके बाद काजल अपने मायके सानगढ़ी वापस आ गई। बुधवार को दोपहर 1 बजे विकास सानगढ़ी में अपने ससुराल आया। उसने पत्नी काजल, विकास सास अर्चना, साली प्राची तथा साला रोहित मेश्राम पर चाकू से हमला कर चारों को घायल किया। चारों जख्मियों को ग्रामवासियों पड़ोसियों की सहायता से उपचार के लिए जिला अस्पताल में लाया गया। दूसरी खबर, उमरेड शहर के गिरट का लेआउट स्थित सचिन लॉन के पीछे सुरेश लेंडे के निवास के नींबू के पेड़ पर करीब 10 बजे 4 फीट का कोबरा दिखाई दिया। यह सांप जहरीला कोबरा नाक था। सांप की लंबाई करीब 4 फीट थी। जहरीले सांप को सर्प मित्रों ने सकुशल पकड़ा। बाद में उमरेड दक्षिण वन परिक्षेत्र कार्यालय में पंजीयन कर कोबरा नाक को बोटेजरी जंगल क्षेत्र में छोड़ा गया। तीसरी खबर, नंदनवन थाना क्षेत्र में 15 वर्षीय किशोरी के साथ छेड़खानी की घटना सामने आई है। पुलिस ने गुलाब खुशहाल सोनवने के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। पिछले कई दिनों से गुलाब किशोरी को परेशान कर रहा था। बुधवार की सुबह 10 बजे के दौरान पीड़िता अपने घर के सामान खरीदने के लिए निकली। गुलाब ने उसका पीछा कर रास्ता रोका, हाथ पकड़ कर गाली गलौज की। बातचीत न करने पर पीड़िता और उसकी माँ को जान से मारने की धमकी दी। पीड़िता ने घर जाकर माँ को घटना की जानकारी दी और नंदनवन पुलिस थाने में शिकायत दर्ज करवाई। इसी के साथ खास खबरों को यही विराम देते हैं। तब तक के लिए देखते रहिए MNS News Live। नमस्कार।